इंदौर में कमिश्नर प्रणाली लागू होने के बाद से पुलिस में भी कई बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उनमें से एक बदलाव जनसुनवाई भी रहा है, जो कि आम जनता के लिए अहम हिस्सा बन रहा है। आम जनता ने जनसुनवाई में बड़ी उम्मीद के साथ अपने साथ हुए अन्याय को लेकर न्याय की उम्मीद के लिए जनसुनवाई में पहुंचते हैं, जहां कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी, एसीपी ने सुनवाइयों को गंभीरताओं में लेकर आम जनता को आश्वासन दिया जाता है कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाएगा। आइए सुनाते हैं इंदौर कमिश्नर, एसीपी, एडिशनल डीसीपी ने क्या कहा। सरफराज खान की रिपोर्ट। परसों के दिन रात में उनकी घटना हुई थी। कलेक्ट्रेट के सामने जो फरियादी था वो अपने घर जाने के लिए बस का वेट कर रहा था। उसी दौरान जो है बदमाश उसके पास आया, चाकू अड़ाकर जो है उसके पास से पैसे और उसके ब्लूटूथ डिवाइस, घड़ी वगैरह जो है उसका लूट के और भाग गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए टीमों को सक्रिय किया गया और कल जो है इसको सफलता प्राप्त हुई और आरोपी को जो है गुलशन उसका नाम है, उसको पकड़ा गया। एक इसमें देखने वाली बात ये थी कि इसके ऊपर जो है लगभग 17 मामले दर्ज हैं, जिसमें 9 मल्हारगंज में और मल्हारगंज से 5 महीने से ये जिला बदर भी था। तो इसके ऊपर जो है मध्य प्रदेश राष्ट्र सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 14 के तहत मामला भी पंजीबद्ध किया गया है। परसों के दिन रात में इंद्रपुरी कॉलोनी में जो पढ़ने वाले लड़के हैं, जिसका नाम राहुल मिश्रा है, वो अपने दोस्त के साथ चाय पीने वहाँ गया हुआ था। चाय पीने के बाद उसका फ़ोन आया रात में 11:30 बजे के लगभग, तो पीछे से एक बाइक में 3 अज्ञात बदमाश जो है आए और उसके मोबाइल छीन के जो है वहाँ से भाग गए। उसमें 392 की कायमी पुलिस थाना भौरको में की गई है। आरोपियों की तलाश जारी है। सीसीटीवी फुटेज और बाकी जो भी टेक्निकल और मैनुअल हमारे साधन के माध्यम से जो है जल्द ही इसका पर्दाफाश कर लिया जाएगा। आईजी के अंतर्गत श्रीनगर एक्सटेंशन के पास एक सांची पॉइंट है। सांची पॉइंट के पास ही एक मतलब मोटरसाइकिल पर 2 लड़के थे, एक जतिन था और उसके साथ में अमित था। ये दोनों लड़के कलेक्शन का काम करते हैं बेसिकली एक उसमें प्राइवेट कंपनी में, और जब वो आ रहे थे तो अपने पीछे का अपना बैकपैक जो बैग रहता है वो डाले हुए थे। वहाँ 3 लोग आए हैं और उसके पास में उनको रोका है, रोक करके उनका बैग छीन कर ले गए हैं। पुलिस ने इसमें 392 का अपराध पंजीबद्ध किया है और इसमें जो अज्ञात आरोपी है उनकी तलाश की जा रही है। सर, हथियार भी दिखाया जो बताया जा रहा है कि चाकू भी इसमें हमने अभी कुछ फुटेज लिए हैं और वहाँ के जो आसपास के जो एस्केप रूट्स हैं उन पर सर्वे किया है और अभी पूरी घटना स्पष्ट हो पाएगी। साथ में कितना उसमें पैसा गया था उस समय नहीं बता पाए थे और उसके बाद, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि इसमें 2 लाख के आसपास तो इसमें गया है पैसा और इसमें, लेकिन पुलिस ने लूट का मामला पंजीबद्ध करके और कार्रवाई की जा रही है। डोमेस्टिक वायलेंस को लेकर के आई हैं, कुछ शिकायतें जो धोखाधड़ी से संबंधित शिकायतें प्राप्त हुई हैं और उसमें इन्वेस्टिगेशन को लेकर के शिकायतें प्राप्त हुई हैं कि इनका इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या चीज़ें और क्या की जानी चाहिए, उस पर लोगों ने अपनी आवेदन प्रस्तुत किए हैं। तो उन इन्वेस्टिगेशंस में जो उनके बिंदु उठाए हैं उन पर उचित इन्वेस्टिगेशन करने के निर्देश दिए गए हैं और जो डोमेस्टिक वायलेंस और जो अन्य संपत्ति संबंधी विवाद आए थे उसमें संबंधित थानों को आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए। आरोपी को अभी कुछ मोबाइल स्नेचिंग हुई थी जिसमें एक थाना MIG में 24 जून को घटना हुई थी और उस घटना में एक मोबाइल स्नेचिंग हुई थी, इसमें 392 का अपराध पंजीबद्ध हुआ था। इसी प्रकार एक लसुड़िया में भी लगभग 18 अगस्त को एक घटना हुई थी जिसमें एक मोबाइल स्नेचिंग हुई थी और जिसमें भी 392 कायमी की गई थी। इन दोनों मामलों में लसुड़िया पुलिस और MIG पुलिस के द्वारा इसमें अलग अलग आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और जो आरोपियों से मोबाइल भी जब्त हुआ है। दोनों घटनाओं में आरोपियों से मोबाइल और बाइक भी जब्त हुई है और कुल 4 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। इनके पास से कुछ 3-4 मोबाइल और बरामद हुए हैं जो अलग कहीं घटना के, तो उन संबंध में भी इसका जो IMI सर्च वगैरह है वो भी किया जा रहा है और उनके जो फरियादी हैं उनसे भी संपर्क किया जा रहा है। पूछताछ में क्या सब बात सामने है? पूछताछ में ये जो एक लड़का है बेसिकली धार के मतलब खरगोन के पास का रहने वाला है और जो लसुड़िया में पकड़े गए हैं वो लोकल के लोग हैं और ड्रग एडिक्ट थे। ड्रग के कारण इन्होंने मोबाइल को छीना है। दोनों मामलों में 392 कायमी थी और दोनों ही मामलों को ट्रेस किया गया। पुराने कोई रिकॉर्ड है सर इनका?
पुराने इसमें जो लसूड़िया वाला है उसमें कुछ एक पुराने अपराध हैं चोरी वोरी के, और ये लड़का नया है जो एमआईजी। सर मोटा समझ नहीं कहते किस तरह से शिकार बना? ये सिंपली कोई भी जो कई बार ऐसे फरियादी या कोई महिलाएं जो बाजार जाते समय कई बार बात करते हैं या घूमते हैं, उसी समय ये मौका पा करके मोबाइल को छीन मतलब मोबाइल सीधा मोबाइल पकड़ा पीछे भाग। भौरकुआ अंतर्गत पिछले 10 माह से फरार 5,000 रुपये का इनामी मनप्रीत संधू उर्फ रॉबिन जो है ये पिपलिया निवासी, ये फरार चल रहा था जिसे भौरकुआ पुलिस ने मुखबिरी के उस पर पकड़ा है। इसके ऊपर भी लगभग 16 मामले दर्ज हैं जिसमें हत्या का प्रयास, अड़ीबाजी, नशे मादक पदार्थ बेचना ये सब शामिल हैं। इसको पकड़ के जो है वार्निंग डाले पेश करके जेल भेजा गया। इसको ये इंदौर से ये पकड़ा गया है, ये अपने परिवार से मिलने आया था, ये अपनी फरारी जो है केरल में काट रहा था। तो बताया जा रहा ट्रक ड्राइवर बन के फरारी काट रहा था। बिल्कुल।